हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बड़े होंगे। तो गाइस आज का जो कंसेप्ट है, आप वीडियो के टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। एंड गाइस आप सभी को पता होगा यार, इंस्टाग्राम पे जो वीडियो का ट्यूटोरियल जो मैं बताने वाला आप सभी को, ये इंस्टाग्राम पे कितना वायरल हो रहा है। लोगों के 3-3, 4-4 मिलियन लाइक्स आ रहे हैं एंड 20-30 मिलियन व्यूज आ रहे हैं आप सभी को। जैसे कि आप सभी को मैं थंबनेल में दिखा चुका हूं एंड आप सभी को मैं इंस्टाग्राम पे भी जाकर आप देखा होगा, तो आप सभी को पता ही होगा। एंड गाइस आप भी ऐसी वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो एंड कैसे शूट कर सकते हो, मैं आप सभी को पूरा परफेक्ट बताने वाला हूं वीडियो के अंदर। तो यार वीडियो पे बिल्कुल बने रहना एंड गाइस आप सभी को सब कुछ बताऊंगा मैं। तो यार वीडियो को ज़्यादा स्किप मत करना, नहीं तो यार फिर समझ नहीं आएगा। स्किप करोगे यार फिर मेरे को आप कमेंट्स करोगे, तो इसलिए यार वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि यार आप सभी को सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए एंड आप भी ऐसी वीडियोस एडिट कर पाओ एंड आपके भी मतलब वीडियोस वायरल हो जाए। तो गाइस प्लीज़ यार वीडियो को कंप्लीट देखना एंड गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड गाइस अभी तक आप सभी ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यार इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना क्योंकि यार हमारे वहाँ पे 10K फॉलोवर्स होने वाले हैं। तो प्लीज़ यार इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना एंड चलिए गाइस आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को काइन मास्टर को ओपन कर लेना है एंड अपनी वीडियो के साइज को सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद सिंपली आप सभी को एक काइन मास्टर के अंदर एंटर हो जाना है। ओके, सो उसके बाद गाइस मीडिया वाले ऑप्शन में जाकर आप सभी को अपनी वीडियो को ले लेना है। ठीक है गाइस, तो मैंने ये वीडियो मैंने गाइस इंस्टा से डाउनलोड की थी, तो मेरे पास कोई वीडियो थी नहीं तो मैंने सोचा यार मैं इंस्टा से डाउनलोड कर लेता हूं एंड इसका ट्यूटोरियल ला देता हूं आपके, है ना। तो मैंने इंस्टा से ले आया हूं। तो गाइस ये आप सभी को करना क्या है, पहले गाइस इस तरीके से आपको अपनी वीडियो को ले लेना है एंड इसमें गाइस कुछ वेस्ट पार्ट है जिसको मेरे को जरूरत नहीं है, उसको मैं पहले यहाँ से कट कर लूँगा। तो सिंपली पहले मैं यहाँ से यहाँ तक जाके यहाँ से पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ। तो सिंपली वीडियो को टैप करूँगा, कटर वाले ऑप्शन पे जाऊँगा एंड उसका सिंपली सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको कट कर दूँगा। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमारी वीडियो हो चुकी है। तो उसके बाद क्या करना है गाइस, जहाँ से आप सभी को गाइस जो मतलब कि आपको लास्ट वो इफेक्ट वाला ऑप्शन चाहिए स्क्रीन शॉट जो लास्ट में मतलब वीडियो में लगाना है, वो वाला आपको अपने हिसाब से देख लेना है। फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करना है, वहाँ से उसके बाद आप सभी को करना क्या है, वीडियो को क्लिक करके एंड उसके बाद कटर वाले ऑप्शन में जाके आप सभी को ये थर्ड वाला ऑप्शन इस पर सिलेक्ट कर देना है एंड सिंपली जो आपका जो वाला ऑप्शन है गाइस उस पर सिलेक्ट कर लेना है एंड उसका सिंपली आप सभी को ऊपर वाला जो मतलब इससे 3 पॉइंट से जो ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको ये वाला इस पर जाना है एंड सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है इसमें। ठीक है गाइस, तो उसको कैप्चर एंड सेव फ्रेम वाला लेना है एंड उसका सिंपली यहाँ से डन कर देना है। ओके, सो गाइस ज़्यादा कुछ नहीं करना है एंड उसके बाद मीडिया वाले ऑप्शन में जाना है एंड जो गाइस अभी हमने वो कैप्चर किया है वो हमारे सिंपली गैलरी में आ जाएगा। तो हम कैप्चर वाले स्क्रीनशॉट को हम इसको सिंपली हम उसको अपने उस पर जहाँ पे इसका कट किया था गाइस वहाँ पे हमें इसको लगा लेना है। उसके बाद आप सेव करना है क्या, आपको जो स्क्रीनशॉट है उस पर क्लिक करना है एक बारी एंड उसके बाद आपको क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड जो आपको साइड में वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है ताकि गाइस एक जगह को रुक जाएगा। ठीक है, इसको ले लेने के बाद गाइस आप सेव करना है इसके साइज़ को छोटा करना है, तो हम इसको पकड़ के इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल एंड में ले आएंगे एंड उसके बाद यहाँ से डन करेंगे एंड दोबारा से हम इस पर टैप करेंगे एंड उसके बाद हम कलर फिल्टर में जाएंगे जो आपको सभी को दिख रहा होगा, इस पर कलर फिल्टर इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे एंड सिंपली इसके बाद यहाँ पे आपको गाइस बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे। अगर आपको मैं बता रिकमेंडेड करूँगा कि आपको ये वाला फिल्टर यूज़ करना है, ये वाला जो कि गाइस हमारे इसमें ऐसा हो जाएगा एंड यहाँ से हम सिंपली डन करेंगे। ओके, सो इतना हमारा काम हो चुका है। सो अभी हम नीचे देख लेते हैं और कोई फिल्टर हो तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट गाइस आपको मैं बताऊँ तो ये सबसे बेस्ट है, ये वाला इस ट्यूटोरियल के लिए ये वाला बेस्ट है, तो ये वाला आप यूज़ करना एंड सिंपली यहाँ तक हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे तो है नहीं गाइस कोई दूसरा, तो हम यहाँ से सिंपली बैक चलते हैं। ओके, सो गाइस हमें यहाँ पे तो हमने एक लगा लिया एंड हमें जहाँ जहाँ पे इसकी ज़रूरत है जहाँ जहाँ पे हमें लगाना है वहाँ वहाँ पे लगा लेते हैं। जैसे गाइस यहाँ पे मेरे को थोड़ा सही लग रहा है तो यहाँ पे एक लगा लेना चाहिए, तो यहाँ पे कटर वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पे कट करेंगे एंड अपनी जो वाली वीडियो है जो हमने कट किया उसको लेंगे एंड उसके बाद सिंपली हम जाएंगे उस वाले ऑप्शन में साइड में जो आपको दिख रहा है इस पर जाने के बाद यहाँ पे कैप्चर करेंगे एंड इसको हम सेव कर लेंगे एंड यहाँ से डन करेंगे एंड उसके बाद मीडिया वाले ऑप्शन में जाके सिंपली हम यहाँ से इसको कैप्चर वाले ऑप्शन से निकाल लेंगे एंड इसको यहाँ ले आएंगे एंड सेम मेथड गाइस जो भी हमने पीछे किया है वैसे आप सभी को करना है। सिंपली हम इस पर टैप करेंगे, क्रॉप वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड इसको हम इस पर क्लिक कर देंगे ताकि गाइस एक जगह पर आए एंड उसके बाद यहाँ से भी डन कर देंगे एंड उसके बाद हम इसको छोटा करेंगे यहाँ से एंड उसके बाद कलर फिल्टर में जाके जो हमने फिल्टर अभी यूज़ किया था उसी फिल्टर को ले लेंगे एंड यहाँ से जाके हम नीचे फिल्टर में चलते हैं एंड यहाँ से हमारा वाला फिल्टर ये रहा। ठीक है, ठीक है, तो गाइस यहाँ तक हमारा हो चुका है। तो अब उसके बाद हमें करना क्या है, अब थोड़ा आगे हो जाएंगे एंड उसके बाद हमें यहाँ पे लगा लेना है एंड यहाँ पे मेरे को थोड़ा लगता है कि यहाँ पे भी लगाना सही रहेगा, तो थोड़ा मोर आगे चलते हैं एंड यहाँ पे गाइस सबसे बेस्ट रहेगा, तो मेरे को एक यहाँ पे लगा लेना चाहिए एंड ऐसे कट यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कट वाले ऑप्शन में जाके वही सेम मेथड यूज़ करना है, थर्ड वाला ऑप्शन लेना है एंड उसके बाद सिंपली जाएंगे एंड यहाँ से इसमें जाने के बाद इस वही कैप्चर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सेव एंड कैप्चर कर देंगे एंड उसके बाद सिंपली यहाँ से डन करते हैं एंड मीडिया वाले ऑप्शन में जाके एंड उस कैप्चर वाली इमेज को ले आते हैं एंड यहाँ पे एंड सिंपली वही मेथड यूज़ है बिल्कुल सेम, क्रॉप वाले ऑप्शन में जाके इसको पहले छोटा करेंगे फिर क्रॉप वाले ऑप्शन में जाके हम इसको डुप्लीकेट कर देंगे एंड यहाँ से डन कर देंगे।
ओके सो उसके बाद फिल्टर में जाने के बाद हमें वही सेम मेथड करना है। एंड गाइज इसको मैं म्यूज़िक आप सभी को म्यूज़िक के साथ चला के नहीं दिखा सकता बिकॉज गाइज चैनल पर कॉपीराइट का सिस्टम हो सकता है तो आप समझ सकते हो। एंड टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं आपको जो म्यूज़िक वाला है वो वीडियो भी आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से वो म्यूज़िक वाला भी वीडियो डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो मैं आप सभी को एक बार चला के दिखा देता हूँ। सो गाइज ये इस तरीके से ऐसे चलेगा एंड ये यहाँ पे आके फिर यहाँ पे यूँ पॉज हो जाएगा एंड ऐसा फिर यूँ चलेगा एंड उसके बाद आप देख सकते हैं। एंड यहाँ तक हमारी वीडियो हो चुकी है गाइज, आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यार आप सभी के लिए ऐसे अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूँ मैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना। एंड यार आप सभी को इंस्टाग्राम पर कोई भी कंटेंट पसंद आता है या वीडियोज़ फोटोज़ तो यार आप सभी मेरे को सिंपली डीएम कर सकते हो इंस्टा पर, मैं आप सभी के लिए उसका ट्यूटोरियल लाकर दे दूंगा, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यार भाई को बस इतना ही यार आप सभी से रिक्वेस्ट किया, इंस्टा पर फॉलो जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।